उधम सिंह उत्तराखंड में आज जफरपुर स्थित सिक्स सिग्मा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट रुद्रपुर एवं सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस संस्थान के तत्वावधान में इस आयोजन में रुद्रपुर गदरपुर के हार्टफुलनेस के स्वयंसेवकों तथा सिक्स सिग्मा के NSS छात्र छात्राओं तथा वंदे मातरम ग्रुप के कुल 130 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम को रुद्रपुर के माननीय विधायक श्री शिव अरोड़ा व मुख्य अतिथि श्री राजेश डावर द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। संस्थान से रन का आरंभ सुबह 8 बजे हरिदासपुर बसंतीपुर शिवपुर से वापस संस्थान में किया गया। रन के बाद हार्टफुलनेस ग्लोबल गाइड श्री कमलेश डी पटेल द्वारा करवाए गए सामूहिक ध्यान का अभ्यास करवाया गया। हमारे कॉलेज में सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट में आज कान्हा रन करवाया गया है। उसमें यहाँ 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमने रनिंग करी 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की। वो हमारा मोटो यही था इस पूरे चीज को ऑर्गेनाइज करने का कि बच्चे फिट रहें, जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी ये सीख मिले कि हमें रनिंग करनी चाहिए। एक हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, हमारी बॉडी अगर हेल्दी होगी तो माइंड भी हेल्दी होगा, तो उस कॉन्सेप्ट से था। अंशिका, ग्रीन कान्हा रन है तो हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के प्रावधान से हो रही है और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से सिक्स सिग्मा जुड़ा हुआ है। और आज 130 बच्चों ने और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के स्वयंसेवकों ने और वंदे मातरम टीम के कुछ मेंबर्स ने ये इस रन में प्रतिभाग किया। और ये एक संदेश देना था, पर्यावरण के लिए जागरूक करना था लोगों को और हरियाली के लिए। आज हम दिल्ली की हालत देख ही रहे हैं, दिल्ली कैसे हालातों से गुजर रही है, तो इसलिए पेड़ पौधे लगाना और पर्यावरण को शुद्ध करना हमारा एक फर्ज है, इसी के लिए आयोजन किया गया है। सबसे बड़ी जागरूकता आज ही है। आज जो है हार्टफुलनेस की टीम सहज मार्ग के माध्यम से ग्रीन कान्हा रन के माध्यम से जो है एक जागरूकता अभियान लगाया गया है, जिसमें लगभग 150 सहभागिता जिसमें बच्चों की रही और अन्य जितनी सहज मार्ग की जितनी टीम है उनका इसमें सहयोग रहा है। इसके बाद हमने जो है कुछ प्लांटेशन भी करनी है, कुछ प्लांटेशन हो चुकी है, अभी हम लोग पौधे लगवाने हैं। आप यहाँ पर हरा भरा इसकी एक आपके सामने जो है प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि हरे भरे के लिए हमें आगे किस प्रकार से अन्य जनरेशन या आगे जनरेशन के लिए एक जागरूकता अभियान लागू करना है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।